हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रसना महेश्वरी। तो आज हम बनाएंगे राज पूर्णिमा के लिए जो पॉट बाज़ार में मिलती है, वो तो आज यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं मिलती है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बनाती हूँ। और मैंने बनाई यूट्यूब पे देख के, लेकिन वो मुझे से अच्छे से नहीं बन पाया, तो मैंने सोचा मैं अपना खुद का दिमाग लगा के अपने हिसाब से बनाती हूँ। तो आपको जितना पॉट बनाना है उसी तरह से उसी शेप में एक कार्डबोर्ड जैसे मैंने ये काटा हुआ है वैसे काट लीजिए। और बस आपको एक एल्युमिनियम फॉइल चाहिए और कार्डबोर्ड चाहिए एक पॉट बनाने के लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो रेक्टेंगल शेप में मैंने एल्युमिनियम फॉइल ले लिया है और कार्डबोर्ड आपको जिस शेप में पॉट बनानी है उसी शेप का ले लीजिए। और ये देखिए, इसे बीच में से फोल्ड कर देना है और ध्यान रखना है कि कार्डबोर्ड आपके बीच में ही रहे ताकि दोनों साइड से अच्छे से किनारी बन पाए। अभी मेरा कार्डबोर्ड अच्छे से बीच में नहीं है तो मैं थोड़ा अच्छे से बीच में कर देती हूँ। और फिर देखिए उसको कैसे मोड़ना है। पहले ऊपर की साइड से और नीचे के साइड से करना है। तो देखिए इसको दोनों इस साइड से मोड़ दीजिए, मतलब कार्डबोर्ड का जो शेप है उसी शेप में उसको लेके उसको मोड़िए ताकि बोर्ड का शेप अच्छे से आए। और ये इसको अंदर की ओर मोड़ दीजिए। और फिर दूसरी ओर और इस तरह से इसको भी अंदर की ओर मोड़ दीजिए। और चारों ओर जितने भी किनारे किनारे हैं उसको भी अच्छे से मोड़ देंगे। तो ये सिंपल सी बोट हमारी रेडी है। उसको थोड़ा सा अच्छे से शेप में ले लीजिए। तो ये हमारी बोट यहाँ पे रेडी है। इसको बनाने के लिए सिर्फ आपको एल्युमिनियम फॉइल और कार्डबोर्ड चाहिए छोटा सा, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये देखिए, और इसके बाद इसके फ्लैग, हाँ ये देखो ऊपर में जो फ्लैग बनाने के लिए छोटी छोटी दो लकड़ियाँ लेनी है, और ये लकड़ियों के ऊपर गिफ्ट पेपर को रैप कर देना है और छोटा सा फ्लैग जैसे बना देना है ऊपर में। तो ये रैप जो गिफ्ट पेपर है उसके ऊपर थोड़ा सा कम लगा के इस लकड़ी के ऊपर रैप कर देंगे। और फिर ये छोटा सा जो पेपर है उसके ऊपर थोड़ा सा गम लगा के, स्क्वायर टाइप का पेपर लेना है और गम लगा के इस लकड़ी के एक साइड में चिपकाना है ताकि ये फ्लैग की तरह दिखे। और ये इस फ्लैग में एक साइड से गम या सेलोटेप लगा के बस चिपका दीजिए। सो रेडी है राज पूर्णिमा के लिए पॉट, और एकदम सिंपल है, कम पैसे में भी यूज़ मतलब बन जाएगी और कम समय में भी बन जाएगी। तो गाइस कैसा लगा कमेंट करके बताइए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।